हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कुमार सिंह। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी ग्रुप की धाकड़ कंपनी बताऊंगा, वेल्थ क्रिएटर स्टॉक बताऊंगा। इस कंपनी में आप मंथली भी SIP कर सकते हो, लमसम भी पैसा लगा सकते हो, जो करना है करो, लेकिन इस कंपनी में आप लोग पैसा लगा के रखो। क्वालिटी कंपनी है भाई, नंबर वन कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है, खरीद के रख लीजिए, आपकी लाइफ बन जाएगी। आप लोग का भाई पैसा बढ़ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन चाहिए भाई तो वेल बटन भी प्रेस कर देना। सबसे पहले मैं इसका हाफ रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक और उसका फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी के धंधे के बारे में पता कीजिए। अगर भाई उस कंपनी का धंधा अच्छा है, बिजनेस मॉडल बढ़िया, उनके प्रोडक्ट अच्छी है, उनकी सर्विसेज अच्छी है, तभी जाके वो कंपनी अच्छे रिजल्ट पेश करती है। और भैया, जब कोई कंपनी लगातार अच्छे रिजल्ट पेश करती है तो ही भाई लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है, और ऐसी कंपनी में आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा। तो देखो, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था वो 38,339 था, सितंबर 17 में। सितंबर 19 में देख लो 55,557.87 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है हाफ ईयरली, 38,339 से 55,557 हो चुका है। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 में टोटल इनकम था वो 45,461.56 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 66,116.84 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका नेट सेल टोटल इनकम हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 24,396.54 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 35,720.59 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हाफ ईयरली, 24,396 से 35,720 हो चुका है। एबिटा देख लो भाई, एबिटा भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 में जो एबिटा था वो 31,519.10 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 46,279.56 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा हाफ ईयरली बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं जितनी तारीफ को फ्रेंड वो कम ही होगा। प्रॉफिट एंड लॉस पे देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। सितंबर 17 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर था वो 11,079.82 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 17,227.49 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर है हाफ ईयरली, 11,079 से 17,227 हो चुका है। रिपोर्टेड पैट देख लो, रिपोर्टेड पैट भी इसका शानदार है हाफ ईयरली। सितंबर 17 जो पैट था वो 8,044.87 था सितंबर 17 में, और सितंबर 19 में देख लो 11,913.15 हो चुका है। तो भैया, मुझे इसका हाफ रिजल्ट बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, मैं जितनी तारीख को फ्रेंड वो कम ही होगा, आप लोग ने खुद यहाँ पे देखा। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख लेता हूँ, पहले आप हाफ रिजल्ट देख रहे थे भाई। तो देखो, नेट सेल्स मार्च 15 में था वो 48,469.90 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो भाई 98,972.05 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका नेट सेल टर्नओवर है ईयर टू ईयर वाइज, 48,469 से 98,972 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, पॉजिटिव बात होती है। टोटल इनकम देख लो भाई, टोटल इनकम भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में टोटल इनकम था वो 57,466.26 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 116,597.94 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका टोटल इनकम है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है,
तो भैया मुझे इसका नेट सेल, टोटल इनकम ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं जितनी तारीख ऑफ एंड वो कम ही होगा, आप खुद भी यहाँ पे देख सकते हो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो भाई, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 9,064.42 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 23,263.96 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है ईयर टू ईयर वाइज, 9,064 से 23,263 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है भाई, पॉजिटिव बात होती है। एबिटा देख लो, एबिटा भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एबिटा था वो 44,135.01 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 91,618.67 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एबिटा है ईयर टू ईयर वाइज, 44,135 से 91,618 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में काम नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और किसी भी ईयर में कम ही नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है। ऐसी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाली कंपनी में अगर आप पैसा लगाते हो भाई, तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही। तो इस कंपनी में पैसा लगा कर रखिए, क्वालिटी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है। प्रॉफिट एंड लॉस में देख लो भाई, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर में इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर था वो 10,215.92 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 21,078.17 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका प्रॉफिट एंड लॉस फॉर ईयर है ईयर टू ईयर वाइज, 10,215 से 21,078 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। रिपोर्टेड पार्ट देख लो, रिपोर्टेड पार्ट भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो पार्ट था वो 10,215.92 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 21,078.17 हो चुका है, और ये भी किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है। एनुअल ईपीएस देख लो भाई, एनुअल ईपीएस भी इसका शानदार है ईयर टू ईयर वाइज। मार्च 15 में जो एनुअल ईपीएस था वो 40.76 था मार्च 15 में, और मार्च 19 में देख लो 77.40 हो चुका है। तो देख सकते हो बहुत ही बढ़िया इसका एनुअल ईपीएस है ईयर टू ईयर वाइज, 40 से 77 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। तो भैया मुझे इसका ईयर टू ईयर बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सभी लोग इस कंपनी में दिल खोल के पैसा लगाओ। आप अगर 20-30 साल के लिए पोर्टफोलियो बना रहे हो, तो आप सभी लोग को पोर्टफोलियो में इस कंपनी का शेयर होना ही चाहिए। तो खरीद के रख लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, ये कंपनी आपको एनुअली आराम से 25 से 30% तक रिटर्न बना के दे सकता है। HDFC बैंक लिमिटेड अब तक किस टाइप से रिटर्न बना के दे चुका है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो ये कंपनी पिछले 10 साल में बहुत ही अच्छा रिटर्न बना के दिया है भाई, वेल्थ क्रिएट करके दिया है, और आगे भी रिटर्न बना के देगा। तो आप लोग इस कंपनी में पैसा लगाइएगा, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाएगा। तो देखो 10 साल में रिटर्न है वो 638.54% है, जो कि फ्रेंड बहुत ही अच्छा रिटर्न माना जाएगा। 10 साल में स्टॉक 6 गुना हो चुका है। सेंसेक्स का रिटर्न है वो 140.94% है, 3 साल में देख लो, 3 साल में रिटर्न है वो 109.64% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 54.66% है, 1 ईयर में देख लो, 1 ईयर में 26.12% है, सेंसेक्स का रिटर्न है 13.05% है, ईयर टू डेट में देख लो भाई, ईयर टू डेट में 19.67% आने, सेंसो का आना है 12.13% आने, 1 मंथ में देख लो, 1 मंथ में 3.32% आने, सेंसो का आना है 2.91% आने, 1 वीक में देख लो भाई, 1 वीक में 0.48% आने, सेंसो का आना है 0.24% आने, 1 डे में देख लो भाई, 1 डे में 0.63% आने, सेंसो का आना है 0.39% आने। तो भैया आप लोग अपने पोर्टफोलियो में HDFC बैंक को जगह दो, क्वालिटी कंपनी है भाई ये कंपनी, आपको एनुअली आराम से 25 से 30% तक रिटर्न बना के दे सकता है। आप चाहो तो HDFC AMC में पैसा लगा सकते हो, HDFC लाइफ में पैसा लगा सकते हो। क्वालिटी कंपनी का भाई शेयर खरीदोगे तो आपका पैसा बनेगा ही लॉन्ग टर्म में। कुछ दिन पहले भाई मैं पेड से भी स्टार्ट किया हूँ, जिनको भी पोर्टफोलियो क्रिएट करवाना है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा भाई आपको अच्छा से अच्छा पोर्टफोलियो बना के देने का, कांटेक्ट कीजिए मुझसे पेड सर्विस चाहिए तो। HDFC बैंक का भाई मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा दे रहा हूँ। तो देखो
प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है 26.21% होल्डिंग है, एफआईएस के पास जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में 37.64% होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में 14.41% होल्डिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के पास जो होल्डिंग है वो 2.88% होल्डिंग है, नॉन इंश्योर इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में 14.89% होल्डिंग है। कोई भी शेयर एचडीएफसी बैंक का प्लेस नहीं है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास जो होल्डिंग है एचडीएफसी बैंक में 11.17% होल्डिंग है। वैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एचडीएफसी बैंक का पी रेशियो है, एचडीएफसी बैंक का 29.54 का पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू है एचडीएफसी बैंक का 4.43 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड जो है एचडीएफसी बैंक का 0.79% का डिविडेंड यील्ड है। आरओई देख लो भाई एचडीएफसी बैंक का 15.01% का आरओई लेटेस्ट है। आरओई लेटेस्ट देख लो 1.76% का है। नेट एनपीए टू बुक वैल्यू है एचडीएफसी बैंक का वो 2.43 का है। एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन देख सकते हो, एक्सपेंसिव बता रहा है। अट्रैक्टिव जो प्राइस होगा एचडीएफसी बैंक का वो 656 से 846 के बीच अट्रैक्टिव प्राइस होगा, जो कि कभी भी नहीं आने वाला है। क्वालिटी मैं आपको दिखा देता हूँ एचडीएफसी बैंक का, एक्सलेंट बता रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रोथ है 5 ईयर का 20.79% का है। बजाज फाइनेंस का भाई 50% का है, आप लोग को पता होगा ही। नेट प्रॉफिट ग्रोथ है 5 ईयर का वो 20.34% का है। ग्रॉस एनपीए लेटेस्ट देख लो भाई, बहुत ही बढ़िया है 1.38% का है। जिस भी बैंक के एनबीएफसी कंपनी का ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए 6% से ज़्यादा हो भाई, उस कंपनी में आप लोग भूल कर पैसा मत लगाना, वरना आप कभी पैसा बना ही नहीं पाओगे। आपको पता है ही किस कंपनी का भाई एनपीए ज़्यादा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो एचडीएफसी बैंक ने किस टाइप से रिटर्न बना के दिया है, तो देख सकते हो 10 साल में रिटर्न है वो 638% है, 5 साल में 174% है, 3 साल में 109% है, 1 ईयर में 26% है, ईयर टू डेट में 19% है, 1 मंथ में 3% है। तो देख सकते हो भाई कंपनी लगातार रिटर्न बना के दिए, तो आप लोग इस कंपनी में पैसा बनाइए। क्वालिटी कंपनी है, निफ्टी 50 का स्टॉक है ये कंपनी, आपको एनुअली आराम से 25 से 30% के बीच में रिटर्न बना के दे सकता है, तो आप लोग इस कंपनी में पोजिशन बनाइए भाई। बढ़िया कंपनी खरीदोगे तो आपका पैसा बनेगा ही, और सबसे बड़ी बात एचडीएफसी बैंक में आपका पैसा सेफ रहेगा। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन प्रेस, बेल बटन प्रेस नहीं करोगे भाई तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग क्वालिटी कंपनी में पैसा लगाएं, तभी जाके आप लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। धन्यवाद।